कौन सी परेशानी हो सकती है जो हारून मुझसे शेयर भी नहीं कर रहे? मैंने हारून को कभी इतना ऊंचा हुआ नहीं देखा। मुझे हारून से बात करनी चाहिए। हारून, इज एवरीथिंग ओके? तुम सुनी नहीं बेटा? आपका इंतजार कर रही थी। हारून, ऑफिस में कोई मसला है? कोई परेशानी है आपको? तुम ये समझ लो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वैसे सोने जा रहा, तुम भी आ जाओ। अम्मी, अगर ज्यादा मसला है तो मैं लोन अप्लाई कर देता हूँ ऑफिस में, लेकिन हमें अपनी बिसात के मुताबिक इंतजाम करने चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए। मैं कम से कम कर लूंगी अखराजात। वैसे फर्नीचर और खाने का बंदोबस्त हो गया है, मैंने कमेटी डाली हुई है जो इस महीने इंशाल्लाह निकल आएगी। इसके अलावा अगर कोई कमी बेशी हुई तो फिर तुम देख लेना। जी अम्मी, अब माइन सो गई है, उसने खाना नहीं खाया था, कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही। कमाल है भाई, ये अच्छी बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, खुद ही बकवास की और खुद ही रूठ के पड़ गई। सुन लिया तुमने, देखी जबान कैसे चलती है उसकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस समझ नहीं है कहाँ कौन सी बात कैसे करनी है। सब समझ है उसे, इन आंखों से दुनिया देखी है मैंने बेटा। वो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं जैसे तुम्हें लगती है, जैसी नजर आती है। जो कुछ वो बोल रही थी ना, उसका मकसद और मतलब सब अच्छी तरह से जानती है। उसे तो इतना भी एहसास नहीं कि जबान की धार से निकलने वाले जख्म जो है वक्त के साथ कभी भरते नहीं है। अम्मी, वो ना समझ है, वक्त के साथ समझ आएगी। पता नहीं वो समझती या नहीं समझती, मगर खुदा के लिए तुम समझ जाओ। इस किस्म की औरतें जो है ना, उनके दिल की कुंजी सिर्फ दौलत होती है, ऐसे उनके दिल नर्म होने वाले नहीं होते बेटा। समझा नहीं। समझ जाओगे वक्त के साथ साथ, इंशाल्लाह सब समझ जाओगे। अभी तो मुझे इतनी फिक्र लगी है कि खुदा करे ये कल यहाँ से चली जाए तो अच्छा है, वरना पता नहीं शादी तक फिर कोई